नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी एडवांस सेक्शन की क्लासेस। और हमारे साथ दो लोग हैं, आदिल जी हैं और आनंद जी हैं। और हम एडवांस सेक्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल को स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे पास तो कोर्स में कई सारे कोर्स हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं एडवांस सेक्शन से, क्योंकि यही सबसे पहला इनिशियल एज है। इससे आगे फिर हम बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात को जानेंगे एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में, एक्सेल की आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप हम पहले जानेंगे कि आखिर एक्सेल का इस्तेमाल हम करते हैं तो क्यों करते हैं। तो यहां पे हम जैसे एक्सेल का यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं डेटा स्टोरेज का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि डेटा स्टोरेज है तो ये डेटा को एज ए डेटा बेस नहीं है। क्योंकि डेटा बेस के बहुत सारे नियम और बहुत सारे सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करता है। तो क्या डेटा स्टोर करते हैं? तो तीन डेटा स्टोर करते हैं, मिसलेनियस, जैसे कि आपके पास टैबी वगैरह यूज करते हैं, तो टैबी में आप जो पेटी कैश होता है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई, 4 रुपए की चाय हुई, 10 रुपए का कुछ हो हुआ, ऐसी चीजों के लिए आप लेजर तो क्रिएट नहीं करेंगे। तो कैसे खर्च कर रहे हैं आप, उसके लिए हम पेटी कैश का एक लेजर क्रिएट करते हैं टैली में, और उसके पूरे खर्चे का हिसाब हम एक्सेल में रखते हैं, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं। इस तरह के जो मिसलेनियस डेटा है वो एक्सेल में स्टोर करते हैं। दूसरा एसएमई, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज, जैसे कि छोटे मोटे उद्यमी, जैसे हम मेरे जैसे लोग, अब वो लोग हम जैसे लोग जो है बड़े बड़े डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इस बड़े बड़े डेटाबेस एसक्यूएल, ओरेकल, चैप वगैरह यूज ना करके अपने डेटा को एक्सेल में रखते हैं, क्योंकि उनके पास महीने का 8 से 10 हजार का लमसम डेटा होता है, तो उसके लिए वो एक्सेल को ही डेटाबेस बना लेते हैं। और उसे एक पीसी पे ही काम होता है, नेटवर्क में है नहीं है, तो डेटाबेस जो है एक्सेल में काम आता है। तीसरा होता है एनालिसिस डेटा, जैसे कि मान लीजिए कि आप भले ही आपकी कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा डेटा यूज करता हो, लेकिन आप डेटा को जो एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं डेटा को होल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा डेटा है आपको, उस डेटा में से आपको अगर एक जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे जैसे ये रिपोर्ट है आपके सामने, अब रिपोर्ट के लिए इसने ये एक्सेल में डेटा स्टोर किया है क्या? अब क्यों करेंगे डेटा स्टोर? क्योंकि रिपोर्ट जो हमारा डायनेमिक हो, इसलिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि रिपोर्ट दिख रहा है यूरोप का, एक रीजन यूरोप का है, मुझे यहां से मान लीजिए एशिया पैसिफिक का चाहिए, तो इसमें क्लिक किया, तो क्लिक करते ही पूरा चेंज हो गया, पूरा एशिया पैसिफिक का आ गया। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला बहुत लगा है और ये फॉर्मूला लिंक है हमारे डेटा से। समझ गया? अगर ऐसा मैं नहीं करता तो फिर यहाँ पे मुझे जितने भी रीजन है, हर रीजन का अलग अलग रिपोर्ट तैयार करना पड़ता। जैसे ऑल रीजन हो गया तो फॉर्मूला लगा है, तो पूरा डेटा कैलकुलेट इसका अकॉर्डिंग कर दे रहा है। लेकिन जैसे मैं एशिया पैसिफिक पे क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट चेंज हो रही है। तो अगर मैं ऐसा फीचर ना रखता तो हर रीजन का अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ता, और हर रीजन और इंडस्ट्री का अलग अलग रिपोर्ट, उसके हर प्रोडक्ट का अलग, हर पीरियड का अलग, दिख रहा है कई सारे फिल्टर्स है, क्वार्टरली अलग बनाना पड़ता है, ईयरली अलग बनाना पड़ता है, तो कितने रिपोर्ट है? देखिए एक रिपोर्ट जो है ये तकरीबन 20 रिपोर्ट का काम कर रहा है ना, 20 से भी ज्यादा रिपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंक टू आवर डेटा है, तो हमें डेटा स्टोर होल्ड तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये जो है वो रॉ डेटा है क्या, जो अभी हाँ, ये रॉ जो डेटा स्क्रीन पे है, दिख रहा रॉ डेटा है, लेकिन है? फिल्टर रॉ डेटा, जिसकी इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड का डेटा लिया गया है कि
हमारे डेटाबेस में से मान लीजिए सेल्स है तो आपको इस महीने का सेल्स रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपकी डेटाबेस में तो पूरे साल का क्या अभी तक का पूरा डेटा होगा ना सेल का, तो उसमें से इस महीने का डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम एक्सेल पे होल्ड करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, ठीक तो ये हमारा डेटा स्टोरेज का पार्ट हो गया। तो डेटा स्टोरेज हम कर एक्सेल में डेटा स्टोरेज करते हैं, बट मिसलेनियस एंड एनालिसिस डेटा, डेटा सर। डेटाबेस पहली चीज। दूसरा हम इस पे काम करते हैं, वो करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे कि आप एक्सेस की बात करें या आप ऑरिकल की बात या आप और बहुत सारे जो है उनसे बात करें, तो वो क्या होता है कि वो फील्ड टू फील्ड होता है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो पूरा फील्ड कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसमें एक सेल का एड्रेस नहीं होता, लेकिन एक्सेल के अंदर में एक सेल का एड्रेस होता है, जैसे लाइक E2। तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमने इसको प्लस कर दिया। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, और आपके पास यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा, अगर आपको अब मान लीजिए आपकी सैलरी कैलकुलेट करना है तो हम एक्सेल ही प्रेफर करते हैं। मुझे मान लीजिए इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो ये सब चीज के लिए हम एक्सेल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है सर। कैलकुलेशन के एम्प्लॉयज बाद के अटेंडेंस वगैरह हाँ हर चीज करते हैं ना, अटेंडेंस तो कैलकुलेशन उसमें का डेटा हो गया ना सर, डेटा में अच्छा जाएगा। डेटा हो गया ना। और अच्छा कैलकुलेशन तो सैलरी होगी ना, कि सैलरी कैलकुलेट हुआ बिहाफ ऑफ द अटेंडेंस। ठीक है, एक्सेल से होल्ड कीजिएगा। उसके बाद दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे पूछते हैं सर प्रेजेंटेशन के लिए तो हम पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, अब आप ही देख लीजिए। मान लीजिए कि अभी जो मैंने फाइल दिखाया था आपको, इसी फाइल को लेकर चलते हैं, अब मुझे इसको पीपीटी के जरिए अगर प्रेजेंट करना होगा तो कितने स्लाइड्स बनाने होंगे, 20-25 स्लाइड्स बनाने होंगे ना। एक स्लाइड हो वो होगा जो बताएगा कि ईयरली ऑल रीजन्स, क्योंकि ये सब फीचर्स आपको पीपीटी पे नहीं दिखेगा ना। ये अच्छा नहीं मिलेगा, ये क्या फिल्टर जो लगी हुई है ना। हाँ, तो मान लीजिए मुझे दिखाना है तो ये रिपोर्ट दिखाना है, तो अब बॉस ने बोला यार मुझे क्वार्टरली बताओ, तो हमें यहाँ पे क्वार्टरली देखना पड़ेगा। और बोले क्वार्टरली में 2008 नहीं 2009 का दिखाओ, 2007 का दिखना पड़ेगा, नहीं मुझे Q1 का दिखाओ। तो जितना मैं फिल्टर सेलेक्ट कर रहा हूं उतने स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं ना, बट यहां इजीली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या। तो रिप्रेजेंटेशन द थर्ड पार्ट, थर्ड यूज ऑफ द एक्सेल, या इसको हम डैशबोर्ड या रिपोर्टिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंटेशन कहता हूं। और चौथा जो है वो है शेयरिंग। शेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर शेयरिंग पार्ट नहीं होता तो ये सॉफ्टवेयर उतना नहीं होता। क्यों, इसलिए जैसे मान लीजिए हमने अभी रिपोर्ट बनाई, हमने इकट्ठे लेके आपको भेज दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास एक्सेल होगा, क्योंकि मोस्टली के पास एक्सेल होता ही है, राइट। दूसरा आपके पास एक्सेल नहीं है तो आपके पास एक्सेल एक्सेल की सीट की व्यूवर होगा, जैसे गूगल सीट वगैरह होगा। हाँ, गूगल सीट।
अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसको जीमेल पे जाके डायरेक्ट देख लीजिए। जैसे क्या देखिए, रिपोर्ट किसी ने भेजा, मैं क्लिक किया, ये तो डाउनलोड हो रहा है क्योंकि दे दिया है ना। कोई भी रिपोर्ट आपको आती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो उसको डाउनलोड करें, हम क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। अच्छा हमें दिखने को दिख गया ना, मेरा इन्फॉर्मेशन तो मिल गया। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो बाकी जैसे सॉफ्टवेयर्स है, टैबलू है, पावर बीआई है, इनका क्रेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेल की स्पीड से नहीं बढ़ता। अगर मैं टैबलू में रिपोर्ट बनाता हूं तो आप उसको देखने का दो ही माध्यम है। पहला कि आप एक लिंक दे दूं, उस लिंक पे क्लिक करके देखें एज ए वेब पेज, बस उसके लिए इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट है तो आपको कंपनी से इंटरनेट कनेक्ट होती है, लेकिन हमें हर साइड का एक्सेस होता है या नहीं होता है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है कि आप उसको एज ए फाइल डाउनलोड करें और देख लें और मॉडिफाई भी कर। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज एक्सेल फॉर द डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग रिपोर्ट। शेयर शेयर ओके, अब ओके हम बात करते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर के डेटा बारे में। तो आपको मैं इतना नहीं सिखाऊंगा कि सीट क्या होता है, रेंज क्या होता है, सेल क्या होता है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो बेसिक चीजें हैं आपको पता ही होगा, जहां तक मुझे अंदाजा। स्टोरेज हाँ, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका एड्रेसिंग सिस्टम। हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे कि A2, ठीक है। A2 कैसे हुआ? कॉलन ए एंड टू रो। तो कहीं भी हम इसको कॉलम कहीं भी इसको लिंक कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इक्वल A2 करके। इक्वल A2 कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल A2 का वैल्यू, इसके ऊपर आप मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि हमने अगर सिर्फ A2 लिखा तो मतलब है कि इसी एक्टिव सीट का ही, अगर डिफरेंस सीट का चाहिए तो मुझे उस सीट का भी देना पड़ेगा इस तरह से। हालांकि क्लिक करते अपने आप आ जाता है, लेकिन इस तरह से देना पड़ेगा। तो शीट का एड्रेस भी देना, जैसे शीट हुआ हाँ ना। हाँ तो आपको अगर अनदर शीट का है तो शीट का नाम भी होना चाहिए, उसी तरह से आपको अनदर फाइल का है तो उस फाइल का नाम भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका फाइल नेम हो गया, ये आपका शीट नेम हो गया, शीट नेम सेल डैशबोर्ड हो गया। क्वालिटी अब जैसे एक और देख ध्यान रखिएगा, अभी इसमें देखिए फाइल कहाँ पे सेव है, उसका लोकेशन तो नहीं है, खुली हुई है। मतलब खुली हुई है मतलब क्यों? एक्सेल की लाइब्रेरी में है। और जैसे मैं इसको करूंगा, डाउन सेल पे क्लिक करूंगा या क्लोज, देखिए किसी इसका पूरा पाथ सी यूजर डेल डाउनलोड। ओके हाँ पूरा पाथ आ जाएगा। गया। और बच्चे पूछते हैं सर मैं आपके पास तो उस पाथ दिखता है, मेरे पास पाथ क्यों नहीं दिखता? देखिए जिस फाइल को आपने लिंक किया है या फॉर्मूले में यूज किया है, चाहे किसी भी फॉर्मूले में, तो अगर खुली हुई है तो जस्ट फाइल का नाम दिखेगा, जैसे ही फाइल क्लोज होगी तब जाकर उसका एड्रेस दिखेगा। ये आपका इसका एड्रेस सिस्टम था। लेकिन और है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स है, मुझे इस नंबर्स में मान लो 20 ऐड करना है, इक्वल हम इसको प्लस करेंगे 20 तो ऐड हो जाएगा। ये हमने A1 + 20 मतलब कि A1 की वैल्यू +20 कर दिया। मैं नीचे की तरफ ड्रैग, बाकी सब में अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे आप ड्रैग करते हो आपका जो रेफरेंस है, मतलब कि जो सेल एड्रेस है, वो अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। A1 है, देखिए यहाँ पे A2 आ गया, A3 आ गया, तो इंक्रीज किया, अब एक डिक्रीज भी करता है। जैसे कि मैंने इसको +20 कर दिया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो 3 की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ
अगर मैं आगे करूं तो ए थ्री हो जाएगा ए फोर, ए थ्री सॉरी ए थ्री हो जाएगा बी थ्री, क्योंकि हम अगर टॉप टू बॉटम करते हैं तो ये रो चेंज करता है, अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो कॉलम चेंज। ठीक है, ये एक्सेल में ऑटोमेटिक पहले से ही रहता है ये सारा चीज पहले से होता है। प्रोग्राम अब यहाँ पे क्या है कि अब ये ऐसा होना जरूरी है। अब मान लीजिए सिस्टम ना होता तो मुझे क्या करना होता कि हर सेल पे जाना होता, 20 ऐड करना होता इस तरह से। जरूरी और ये अच्छी चीज है, तभी तो हम लाखों सेल पे फॉर्मूला विद इन सेकेंड में अप्लाई कर देते हैं, बस हमने एक पे अप्लाई किया और ड्रैग। अब इसमें अगली प्रॉब्लम भी आती है कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे डी डी वन के ऊपर हमने 50 लिखा हुआ है और डी वन की वैल्यू को कॉलम ए के डेटा में ऐड करना है। अब मैं यहां पे इसको प्लस किया और मैं मैनुअल 50 नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अगर मैनुअल 50 लिख दिया तो क्या होगा, जब मैं चेंज करूंगा 90 करूंगा तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका सेल का लिंक लेते हैं कि A1 प्लस D1। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, जब इसको ड्रैग करते हैं तो ए आप देख यहाँ पे A1 और D1 है, तो A1 A2 हो गया और D1 भी D2 हो गया, तो A1 को तो A2 करना था, अब यही बात हो गई कि मुझे मैनुअली सब भी इस तरह से लगाना पड़ेगा, तो ये तो काफी टाइम लग जाएगा अगर आपके पास 1 लाख का डेटा है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब कि हम यहां पे एक डॉलर साइन लगा ओके देंगे, डॉलर साइन लगा देंगे, तो डॉलर साइन लगा ट्रैक करेंगे। देखिए तो यहां पे हमने 1 को डॉलर लगाने से एब्सोल्यूट हो गया, इसको कह सकते हैं फ्रीज हो गया। अब नीचे के तब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हर जगह पे 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। तो हमने 1 के आगे डॉलर लगाया मतलब कि हमने रो नंबर को फ्रीज किया, क्योंकि किसी भी एड्रेस के अंदर में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक होता है। अल्फाबेटिक आपका कॉलन होता है और न्यूमेरिक हमारा नंबर होता है, तो हमने न्यूमेरिक के आगे लगाया मतलब कि हमने रो को फ्रीज किया, मतलब कि ऊपर से नीचे के तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप कुछ अपने एड्रेस को फिक्स रखेगा, एड्रेस चेंज नहीं करेगा, D1 हमेशा D1 रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम आगे की तरफ मतलब लेफ्ट राइट की तरफ करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, D1 E1 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ई के सामने डॉलर नहीं लगाया, तो ये फ्री होता है कि आप जिसके सामने डॉलर लगाएंगे दोनों की तरफ लगाएंगे तो दोनों फ्रीज होगा, आप कॉलम की तरफ लगाया रो छोड़ दिया तो आपका कॉलम फ्रीज है रो फ्रीज नहीं होगा, आपने रो लगाया कॉलम छोड़ दिया तो आपका रो फ्रीज है कॉलम फ्रीज नहीं है। ओके इसका ध्यान रखिएगा, अब इसकी बेहद जानकारी हम आपको इस पे देंगे जब फॉर्मूले वगैरह पढ़ाएंगे तब। तो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज और हमें करना चाहिए कि अगर अभी मैंने पढ़ाया कल के डेट में कोई चीज आप भूल जाते हैं, कभी हाँ कभी कि हम भूल गए हैं बस थोड़ी सी रिमाइंड हो जाए, थोड़ी सी याद हो जाए तो पूरी मेरा पूरा एकदम हम मेमोराइज हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें बस कर्सर रखना है इसके ऊपर। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि एक्सेल की सेटिंग से इसको रिमूव कर दिया गया है। आगे स्क्रीन टिप्स, अब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं टेल मी मोड पे क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पे एक्सेल का हेल्प खुल जाएगा। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जनरली तो हम लोग हेल्प देखते नहीं है तो गूगल पे जाकर सर्च मारते हैं, तो हेल्प में भी आपको चीजें डिटेल में होती है, देखा है आपको हर एक चीज डिटेल्स में है। कमिश्नर फॉर्म में बैठे हैं। चलिए
घंटे के देखिए कितना आर्टिकल दे रखा है इसने। गूगल में ऐसे इतना तो नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि जो कंडीशन होमेटिक पे जो आपका आर्टिकल है और जो आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं, तो गूगल में जो है तो गूगल से जो सर्च रिजल्ट में अगर माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट है ठीक है, किसी और का रिजल्ट है तो क्या ये 100% करेक्ट होगा? क्योंकि उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं की गई है, वो गलत भी हो सकता है। हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल है इसमें डालते हैं, तो माइट भी गलत भी हो सकता है, पर यहाँ पे तो ये तो एक्सेल का पार्ट ही है। आदिल जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? आज कोई हाँ दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ तो आ रही है। नहीं, कल की तरह प्रॉब्लम नहीं हो रही है आज? नहीं, सही है सर। नहीं। तो आप जो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि कुछ भी ढूंढना हो तो आप एक्सेल हेल्प पे ही ढूंढें, जैसे कि एक्सेल की लिमिटेशन। मैं जानना चाहता हूं कि टोटल एक्सेल की लिमिटेशन क्या है, कि कितने रो, कितने कॉलम और भी बहुत सारी चीजें कितने हैं टोटल ओवरऑल, तो आप इसी में सर्च बार में जाए और लिमिट को सर्च करें। एक्सेलिफिकेशन से लिमिट्स आ गया आपको, यहां पे देखिए आ गया ओपन वर्कबुक, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कॉलम विड्थ, रो की हाइट, पेज ब्रेक्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर, दिख रहा है आपको एवरीथिंग? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है, पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। और साथ में एक चीज और मैं पहली क्लास बताता हूँ आपको मैं, क्यों? क्योंकि बाद में पूछेंगे तो मैं हो सकता है ना बता पाऊं। क्या होता है कि शॉर्टकट के बारे में बच्चे बहुत पूछते हैं, शायद आप भी पूछेंगे कौन सा ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। देखिए मैं 2011 से मैं शॉर्टकट यूज करना छोड़ दिया था सर, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग में आ गया, हालांकि ऐसे 2007 में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2011 से फुल्ली फुल टाइम ट्रेनिंग में आया था। तो किसी भी मान लीजिए कोई ऑप्शन अप्लाई करता है, कीबोर्ड का ट्रेस कर दिया तो पता चलेगा आपको कि मैंने कीबोर्ड पे क्या किया, माउस से किया तो पता चलेगा कि हाँ मैंने कॉपी पे क्लिक किया, जैसे मैं सी कर लिया तो पता ही नहीं चलेगा आपको, इसलिए शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल कर कीजिए, क्यों? क्योंकि शॉर्टकट के इस्तेमाल करने से दो फायदे हैं। पहला फायदा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी 30% बढ़ जाता है माउस के बदले, ये ऐसा एवरेज माना गया है रिसर्च में, और इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं, राइट? दूसरी चीज, मान लीजिए आदिल जी आप इंटरव्यू में जाएं और एग्जाम इंटरव्यूअर के सामने कीबोर्ड पकड़े, कीबोर्ड पे खटाखट 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 इस तरह की आवाज आए, तो सामने वाला बंदा यार कहां से स्पीड कमांड है कीबोर्ड पे, मतलब किसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि कीबोर्ड पे कमांड आपको इससे आता है, रट्टा मारने से नहीं आता है, यूज करने से आता है, ठीक है? हालांकि रट्टा मारने से भी नौकरी लग जाती है, एक स्टोरी बता रहा हूं। होम टाउन से ही एक हमारे गांव के अंकल है, उनका लड़का दिल्ली में आया था, उसकी इंग्लिश ठीक थी बट कंप्यूटर और एक्सेल के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था वो, ठीक है? और उसको एक हफ्ते के अंदर भी कोई इंटरव्यू था जिसमें एक्सेल की जरूरत थी, मुझे बोला, तो मैंने उसको बताया कि एक हफ्ते में तुम तैयारी नहीं कर सकते, ऊपर से वो कंप्यूटर में बहुत वीक था, मतलब कि नॉलेज थी नहीं, तो तैयारी कैसे करोगे, हमारे पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने उससे बोला कि इसका मुझे इसका मैनुअल दे दो, तो हमने बता दिया सिंपल सी बात है, कमांड पे जाओ, कर्सर रखो, लिस्ट आ जाएगी, उसको हेल्प इस तरह से देख लो। उसने क्या किया कि एक हफ्ते में पूरा हेल्प को रट गया, समझे? जैसे उसको वीलुकअप के बारे में जानना है तो वीलुकअप
या इसका डेफिनेशंस मतलब कि क्या है, लुक्स द वैल्यू दिख रहा ना, लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर टेबल, उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, पूरा हेल्प ये पूरा रट गया, दिख रहा ना आपको। इंटरव्यू में और वो चल गया, इंटरव्यू में जी मनी में, जी मनी में इंटरव्यू था उसका, जी मनी में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू लेने का मेरा ही स्टूडेंट था विनय जी। अब जब उसने ऐसे पहले इंटरव्यू में वर्बली पूछा जाता है ना कि एक्सेल एक्सेल पे बताओ, ये क्या बोलते हैं, ये क्या पिवट टेबल क्या होता है, इफ क्या, लोग जनरली पूछते हैं ना, कोई भी इंटरव्यू लेते थे तो पहले वर्बली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद सिस्टम में बैठाते थे। पूछा तो वो ये माने कि पूरा डेफिनेशन जो रटा हुआ था, वी लुकअप को जानते हो, यस क्या होता है, और वी लुकअप की डेफिनेशन, उसके लुकअप वैल्यू, उसके टेबल एरे जो भी है सबका डेफिनेशन सुनाना शुरू कर दिया। सामने वाला इंप्रेस हो गया, उसने दो चार पांच और बोल दी, आई थिंक 10 या 12 मिनट में उसने जवाब दिया, बस 12 के बारे में जवाब दिया था, 12 या 15, इंप्रेस हो गया और उसकी सिलेक्टेड हो गया, मुझे बोला कि सर मैं सिलेक्टेड हूँ, और 2009 में वो 18,000 के पैकेज पे गया था। मैं शॉक हो गया, यार तुम्हें तो एक्सेल का ई नहीं आता है, इंटरव्यू पास कर गया। अगले दिन मुझे फोन कर रहा है कि सर सुजीत भाई ये फलाना काम करने के लिए बोला है, कैसे होगा, हमारे भाई तुम नौकरी ले सकते हो, काम नहीं कर सकते, उसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। तो वही चीज है कि रट्टा मारने से आपको शॉर्टकट की नॉलेज हो सकती है, बट उसको आप यूज नहीं कर सकते, यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप कीबोर्ड पे देखते हैं कि एंटर कहाँ पर है, नहीं देखते हैं, आपकी उंगली ऑटोमेटिकली एंटर पे चला जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग एंटर इतना यूज किए हुए हैं कि हमारा उंगली उस लोकेशन को सेट किए। उसी तरह से हर कीबोर्ड को उंगली पे याद करना पड़ेगा विद प्रैक्टिस। उसके लिए आप एक्सेल हेल्प में ही, जहाँ एक्सेल का हेल्प था, अब हेल्प गायब हो गया तो मैं ऊपर सर्च दिख रहा है ना, मैं इसी पे सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, या फिर F1 प्रेस कर लीजिए शॉर्टकट, और यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क और ये रिजल्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, और ये आपके शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स का पूरा लिस्ट है। इसको क्या कीजिए, डेली बेसिस में घंटे 2 घंटे का इस्तेमाल कीजिए, तो धीरे 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 आपको पूरा दिन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मेनू बार के अंदर जाना है तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो मेनू बार के अंदर जितने भी मेनूज है उसका हाईलाइट हो जाएगा, जैसे मुझे होम में जाना है तो वापस एच, बॉर्डर करना है तो बी, ऑल बॉर्डर ए, तो इस तरह से आप जा सकते हैं ऑल की से भी, और इसमें बताया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप एक्सेल हेल्प में शॉर्टकट को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लिमिटेशंस को पढ़ लीजिए, राइट। और आज जो चीजें बताई है इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, हालांकि मैं तो ये शेयर करता हूँ लेकिन अभी तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है तो मैं इस पे यूट्यूब पे डाल देता हूँ। कल से हम डिस्कस करेंगे फाइल में, आपकी जो कोर्स स्टार्ट होगी चलेगी वो फाइल मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेगी, जैसे पहले हम फाइल बार को पढ़ेंगे, फिर होम को, फिर इंसर्ट, कॉपी पेस्ट, राइट, इस तरह सीक्वेंस भी पढ़ेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि मेरा कोर्स कहाँ पर है, कितना बचा हुआ है और कल क्या टॉपिक होने वाला है। मैंने मान लीजिए मैं आज कीबोर्ड पढ़ा तो कल हम फॉन्ट अलाइनमेंट प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम मेनू बार ठीक है। पढ़ेंगे।